Good morning students, welcome to DSS online classes. Today we are going to solve our next exercise, exercise 7.6. Our first question is, we have to solve these problems. हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है 2 by 3 plus 1 by 7. तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. 7 और 3 का एलसीएम जो होगा तो 21 हो जाएगा. अब जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर में इसके एलसीएम से डिवाइड, तो 21 का 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 से मिला 21. तो 7 जो कोसेंट आया है अब इसके डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे. 7 2 जा 14, यहां 14 हम मिल जाएंगे. सिमिलरली 7 3 जा 21, 3 बन जा यहां 3 मिल जाएंगे. ये हमारा ऐड होकर के आ जाएगा 17 अपॉन 21. ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते. क्यों? ये कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर प्रॉपर आप पढ़े हैं तो उस हिसाब से अच्छा रहते हैं. ठीक है ना, इस तरह का एडिशन आप अब जितने भी एडिशन के क्वेश्चन हैं ऐसे ही करेंगे. जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ इसी में, आई का 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/2. अब 3, 4 और 2 का एलसीएम बच्चों क्या होगा? 12 होगा. ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं 3, 4 एंड 2 ये दिया है, इसको क्या करें 2, 2, 1. ठीक है, ठीक एलसीएम आप ऐसे निकालते हैं. ठीक है बच्चों, 2, 3, 4 या 12 हमारा एलसीएम क्या आ गया बच्चों? 12 आ गया. ठीक है, हम यहाँ पे एलसीएम हम पहले आप क्या बताया, जब डिफरेंट फ्रैक्शन हो डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो तब हम एलसीएम नहीं लेंगे, तब हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे. ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 3 4 जा 4 2 जा 4 3 जा 12 3 आया हमारे पास, ये क्वेश्चन 3 3 जा 2 6 जा 6 आया 6 1 जा, ये हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? 9 6 15 15 23 23 अपॉन 12. हम चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे आप मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में? क्या लिखेंगे? 1/4 बच्चों 1/4 11 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
क्या हो जाएगा, 3 और 2 कैल्शियम लेंगे 6 है, ठीक है। अब 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, उससे टमाटर 2 आया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 3 आ गया हमारा परसेंट, 3 1 जा 3, 8 में से लिया 5.6, 3 हमारा आंसर है बच्चों। इस तरह से हम सब्सट्रैक्ट भी कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम है और सारे क्वेश्चन इस पार्ट के सॉल्व आप खुद ही करेंगे, जैसा कि मैंने आपको रूल बता दिया और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। सेकंड क्वेश्चन है, सरिता ब्राउन 2x3 meter सॉरी 2x5 meter ऑफ रिवर एंड ललिता 3x4 meter ऑफ रिवर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिवर, देखो मतलब टोटल लेंथ हमको रिवर का निकालना है। टोटल लेंथ क्या क्या होगा, जितना सरिता ने खरीदा है और जितना ललिता ने खरीदा है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द रिवर दिखाओ, टोटल लेंथ ऑफ द
रिवर देवाओ इक्वल्स टू सरिता ने 2/5 मीटर खरीदा प्लस ललिता ने 3/4 मीटर खरीदा। अब हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 4 20 5 4 20 4 2 8 4 5 20 5 3 15 8 23/20 मीटर। दोनों मिल करके इतना मीटर लंबा रिवर खरीदे। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी था। लेट्स सी अवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नया वासी है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप एकदम ध्यान से पढ़िए, उसके बाद सर क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ के हमको पता चला कि हमको ऐड क्यों करना है, क्योंकि हमको टोटल लेंथ निकालना था दोनों ने जो खरीदा, टोटल निकालने के लिए हम ऐड करते हैं। ठीक है, टोटल निकालने के लिए हम ऐड करते हैं। नैना वाज गिवन 1 मोल 1/2 पीस ऑफ केक, नजमान वाज गिवन 1 मोल 1/3 पीस ऑफ केक, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम। अब यहां पे टोटल अमाउंट ऑफ केक निकालना है, तो दोनों का जो केक दिया गया है उसे आप ऐड करके निकालेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवन टू बोथ ऑफ देम क्या हो जाएगा बच्चों, आप लिखेंगे क्या, नजमा को जितना पीस मिला हो प्लस नैना को जितना पीस मिला और नजमा को जितना पीस मिला दोनों का हम एडिशन कर देंगे। तो 2 हो 1 और 2 1/2 कैसे लिखते हैं, 2 1 2 1 3/2 3 1 3 1 4/2 एलसीएम क्या आएगा, 2 3 6 3 3 9 3 2 6 2 4 8 और 9 8 कितना होता है 17 9 8 17/6। तो दोनों को कितना पार्ट मिला देखा, 17/6 पार्ट केक का मिला वो होता है। ठीक है ना, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक, ठीक है ना, कितना पार्ट केक का मिला दोनों को, ठीक है ना, एक साथ। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू।